हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल फॉर्मूला सीरीज के ट्रेनिंग नंबर 4 में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको फॉर्मूला सीरीज वाइज बता रहा था। तो आज मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा सीरीज वाइज, उसके लिए मुझे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना होगा, ब्लैंक वर्कबुक, और यहाँ पे हम जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फॉर्मूले के यहाँ पे जो बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं, मतलब एक सेट टाइप का तैयार है, जिसमें ऑटोसम, रिसेंट यूज और एक फिनेंशियल है। तो जो ये फिनेंशियल या फाइनेंशियल जो हम कहते हैं इसे, तो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो एक बार में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखें, और क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि सर जो आपकी वीडियो है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, मतलब उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग सीखते सीखते ही बोर हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि कम से कम समय में मतलब फॉर्मूला सिखाया जाए। यदि वो फॉर्मूले का मतलब जो ड्यूरेशन है वो समझाने में वो बड़ा होता है, तो मैं उसे मतलब 1 से 2 फॉर्मूले समझाऊँ, लेकिन कम से कम 1 से 2 फॉर्मूले तो समझाएँ। तो आज मैं जो आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा वो है एक आपका एक्रिंट और एक है एक्रिंट एम, एक्रिंट और एक्रिंट एम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा, हर बार की तरह हमें बनाना होगा हेडिंग, तो हम हेडिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से लेकर बी से लेकर यहाँ बी से लेकर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल ऐसा, और मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूले के लिए हेडिंग टाइप करता हूँ एक्सेल, सॉरी कैपिटलाइज में चाहिए, एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग फिनेंशियल फॉर्मूला सीरीज। और ये मैं आज आपको जो है वो पार्ट 1 सिखाऊंगा इसका, और इसे मैं इसे मिडल में कर देता हूँ, साइज बढ़ा लेता हूँ ऐसे। और उसके बाद अब बात करते हैं आज के फॉर्मूले की। तो आज का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्मूला सीरियल नंबर 1 और 2, और फॉर्मूले का क्या नाम है वो यहाँ लिखेंगे ACRINT, एक्रिंट और आपका एक्रिंट एम। तो ये मैं 2 फॉर्मूले आपको फ़िलहाल आज बताऊंगा, इसमें उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। अच्छा जी, अब ये क्या है कि जो फॉर्मूला है ये एक्रिंट और एक्रिंट एम, इसका हम यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी, मान लीजिए मैंने ब्याज पे किसी से पैसे लिए हैं या ब्याज पे किसी को पैसे दिए हैं, तो मुझे उसका इंटरेस्ट जानना है कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर मुझे मंथ 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो मैं एक्रिंट का यूज करूँगा, और टोटल जितने टर्म्स के लिए दिए आपने, जैसे मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए दिया या 2 साल के लिए दिया या 3 साल के लिए दिया, तो वो जो टर्म्स का जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो निकलेगा ये एक्रिंट एम से। ओके, तो अब कैसे कैसे चलाना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चला के देखता हूँ, यहाँ पे हम इक्वल ACRINT एक्रिंट, और ये इसमें आ रहा है इशू फर्स्ट
इंटरेस्ट, सेटलमेंट रेट, पर फ्रीक्वेंसी बेसिस, कैलक मेथड, इतनी सारी चीज़ें आ रही है। देखिए, इशू, फर्स्ट इंटरेस्ट, सेटलमेंट रेट, पर फ्रीक्वेंसी बेसिस और कैलक मेथड। अब मैं अगर इसे ज़्यादा ऐसे डिटेल बताऊंगा तो आप भी बोर होंगे, तो मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला ही लगाता हूँ। अब इसके लिए फॉर्मूले के लिए क्या होगा कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चॉइस कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चॉइस करा है डिस्क्रिप्शन, मैं तो डिस्क्रिप्शन चॉइस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा DESCRIPTION डिस्क्रिप्शंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज डैट वैल्यू। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे पहला है आपका इशू डेट। ओके, इशू डेट का मतलब है कि किस तारीख को मैंने ब्याज पे पैसे दिए या ब्याज पे पैसे लिए। तो मैंने आज की तारीख हम देख लेते हैं, 12 नवंबर है, तो मैंने यहाँ पे सपोजेड मैंने यहाँ पे डाल दिया 12, लेकिन सॉरी क्या कहते हैं ये आपका 12 नवंबर मतलब 11वां महीना 12 तारीख, लेकिन मैं नवंबर का एक तारीख ही लेके चलता हूँ। 11वां महीना एक तारीख 2017, मान लीजिए कि मैंने इस तारीख को ब्याज पे पैसे लिए या दिए। उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट इंटरेस्ट डेट। अब फर्स्ट इंटरेस्ट डेट का मतलब है कि किस तारीख से ब्याज लगना चालू होगा। जब अब जाहिर सी बात है, जिस तारीख को आप पैसे दोगे, जिस तारीख को मैं पैसे लूँगा किसी व्यक्ति से, उसी तारीख से इंटरेस्ट लगाएगा वो। तो मैंने यहाँ पे सेम डेट एकदम डाल दी। अब यहाँ पे कह रहा है सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट, क्लियर। अब सेटलमेंट डेट कैसे होगा, यहाँ पे हमने डाला कि किस दिन तक का आपको, मतलब एक तरह से मतलब कितने दिन के लिए लिए हो, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तो वो है सेटलमेंट डेट होता है कि कितने दिन के लिए। तो मैंने कहा जी मैंने तो एक महीने के लिए मुझे लेना है पैसा ब्याज पे, तो मैंने एक महीने के लिए लिया, मतलब मैं 12/1 को मैं चुका देना चाहता हूँ 2017। अच्छा, अब उसके बाद आता है एनुअल, ANNUAL एनुअल रेट, ANNUAL एनुअल रेट, और क्या कहते हैं एनुअल रेट है 10%। बैंक के अकॉर्डिंग जो है वो एनुअली चलता है इंटरेस्ट, तो एनुअल रेट डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला पर वैल्यू, और पर वैल्यू में मैंने यहाँ पे डाला कि मैंने कितने रुपए ब्याज पे लिए। तो सपोज डैट मैंने ब्याज पे लिए सपोज डैट 30,000 रुपये, 30,000। ओके, अब ये 30,000 डेट बन गया है, इसे मैं इसे जर्नल कर लेता हूँ और सभी एरिया को सिलेक्ट करके जर्नल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू के बाद आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एक महीने से ज़्यादा टर्म मतलब दिनों के लिए अगर ब्याज पे पैसे ले आऊँ, तो मैं जो ब्याज का पैसा है वो मैं तिमाही चुकाना चाहता हूँ, सालाना चुकाना चाहता हूँ, या छः महीने में छमाही से चुकाना चाहता हूँ, कैसे, तो उस हिसाब से यहाँ पे डालना है। मैंने कहा जी एक मतलब सिंगल टर्म, ये बार बार डेट हो रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है बेसिस, एक बार में चुकाना चाहता हूँ सालाना। अब यहाँ पे बेसिस है, बेसिस को हम जीरो रहने देंगे, और यहाँ पे मैं निकालूँगा आज एक्रिंट वैल्यू। अब एक्रिंट वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसे हम कलर कर लेते हैं थोड़ा सा, अब एक्रिंट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ
इक्वल ए सी सी आर आई, और ये जो आ रहा है इसे हम टैब दबा भी सकते हैं। ऐसा आने के बाद इशू जो आ रहा है तो इशू डेट पे क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाया। अब कह रहा है फर्स्ट इंटरेस्ट, तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट वही वाला क्लिक करा, कॉमा लगाया। अब कह रहा है सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट। अब सेटलमेंट डेट का मतलब है कि किस तारीख को आपने किस्त दिया या किस्त चुकाया, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया कॉम। अब यहाँ पे है रेट, तो रेट आपका ये है, क्लिक करा फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है पर, मतलब कितना आपने वैल्यू लिया था, तो 30,000 रुपये मैंने लिए थे, तो मैंने इस पर क्लिक करा फिर कॉमा लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको एनुअली चुकाना है या सेमी एनुअल या क्वार्टरली, तो मुझे तो फ्रीक्वेंसी में एक ही बार में था, तो एनुअली मैंने वन वाला चॉइस कर लिया, तो वन पे क्लिक कर दिया, इस पर कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि बेसिस, यहाँ पे जो बेसिस दिखा रहा है इसे मैं आपको समझाने के लिए मुझे फिर चार्ट टाइपर तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जीरो पे ही दिखा देता हूँ कि जीरो यूएस वाला, तो मैंने इस पर क्लिक करा और ब्रैकेट बंद करा और एंड, तो ये आपका 250 रुपये आ गया। अब ये कैसे निकला है इसे मैं यहाँ पे पहले बेसिस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स और लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया बेसिस और यहाँ पे मैंने लिखा डे काउंट और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया ईयर। रुक जाओ, यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ही ले लेता हूँ इंसर्ट। यहाँ पे मैंने डाल दिया ईयर। अब उसके बाद जो बेसिस है मैंने यहाँ पे डाला 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक होते हैं। अब डे काउंट में पहला जो बेसिस होता है वो होता है यूएस के हिसाब से, यूएस और NASD, इसका मतलब है 30/360, और यहाँ पे है फिर एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल स्लैश फिर एक्चुअल, और फिर उसके बाद है एक्चुअल 360, यहाँ पे 360 है, फिर उसके बाद है एक्चुअल 365, फिर है यहाँ पे है यूरोपियन EUROPEAN यूरोपियन 30/360। अब इस चीज़ को मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये आखिर है क्या। यहाँ पे 30/360 और ये पूरा यहाँ तक ऐसे आया और यहाँ पे 65, अब मैं दोबारा इसे एक्रेंट लगाता हूँ, इक्वल ACR एक्रेंट। अब कह रहा है इशू डेट, मैंने इशू डेट पे क्लिक करा कॉमा लगाया। अब कह रहा है फर्स्ट इंटरेस्ट, मतलब किस दिन से ब्याज बना, तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट दोनों सेम ही रहेंगे, कॉमा लगाया। अब कह रहा है सेटलमेंट, कब आपको पे करना है, तो उसके हिसाब से उस डेट पे मैंने क्लिक करा कॉमा लगाया। अब यहाँ पे रेट कह रहा है कि आपने किस इंटरेस्ट रेट से ब्याज पे जो पैसे लिए वो कितना इंटरेस्ट रेट लगाया, तो वो 10%, मैंने उस पर कॉमा लगाया। पर का मतलब होता है कि कितना आपने वैल्यू जो लिया है ब्याज पे या ब्याज पे दिया है वो वैल्यू, तो उस पर क्लिक करके कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि एनुअली सेमी एनुअल क्वार्टरली, मतलब किस हिसाब से आपको पे करना है, अगर आपने एक साल दो साल तीन साल के लिए इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसे लिए हैं दिए हैं, तो आपको एनुअली चाहिए पैसा, मतलब साल में एक बार आपको ब्याज और प्लस जो असल और ब्याज है वो दोनों मिला के दे,
या सेमी एनुअल में चाहिए या क्वार्टरली में चाहिए, मतलब साल में चार बार चाहिए या साल में दो बार या साल में एक बार, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एनुअल मैंने कर लिया। अब देखिए ये जो मैंने चीज़ लिखा है वो देखिए सेम यही चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना यूएस एनएएसडी 0 और 3360, देखो यहाँ लिखा है, और एक्चुअल एक्चुअल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल 360 यहाँ लिखा हुआ है और एक्चुअल 365 यहाँ लिखा हुआ है, और यूरोपियन में लिखा हुआ है 3360 वो यहाँ लिखा है। इसका मतलब मैंने पहले जीरो सेलेक्ट कर दिया था, और यहाँ पे देखिए जीरो का मतलब है ये वाला यूएस, मतलब 360। वैसे क्या है कि यहाँ पे जो तीन, ये तो दिन है और ये जो है मतलब ये एक महीने में कितने दिन होते हैं और ये टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं ये दिखा रहा है। मतलब जो यूएस है वो अगर अपना मतलब एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जब इंटरेस्ट रेट जो निकाल के देता है वो महीने में तो 30 दिन होते हैं लेकिन साल में 360 दिन मानता है, और ये जो है एक्चुअल एक्चुअल उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो 360 और एक्चुअल 360 में 360 लेकिन एक्चुअल 365 में 365 दिन के हिसाब से, और जो यूरोपियन जो कंट्रियाँ हैं कुछ वो 30 से 360। तो ये इसके टाइप्स हैं, बाकी सारे टाइप सेम है, बस ये थर्ड वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें से कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं जिस हिसाब से आप या जिस कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जीरो चॉइस कर दिया, या तो जीरो लिख दीजिए या तो जीरो पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जब ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जो ये 250 आंसर आया है वो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ निकाल लिया इनका। अब ये जो 250 आंसर है वो कैसे निकला है, एक महीने का कैसे निकला है, तो मैं वो आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक नॉर्मल डेटा तैयार करना होगा बिना फॉर्मूले के कि आंसर ठीक है या गलत, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह वैल्यू, ओके, वैल्यू का वी ए एल यू ई, वी कैपिटल में होना चाहिए, और उसके बाद वैल्यू हमारी कितनी है 30,000, तो मैंने यहाँ पे 30,000 डाल दिया, क्लियर। अब वैल्यू के बाद यहाँ पे है रेट, आर ए टी ई रेट, रेट कितना है यहाँ पे 10% है तो मैंने यहाँ 10% डाल दिया, क्लियर। अब यहाँ पे हमें निकालना है इंटरेस्ट, आई एन टी ई आर ई एस टी। इंटरेस्ट को नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट और एंटर, तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया 3,000। अब उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है कि कितने साल का, मतलब कितने साल पे बैंकिंग के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, तो वो लगता है एक साल पे, और एक साल में कितने टर्म्स होते हैं 12, मतलब 12 मंथ, क्लियर, 12 मतलब 12 किस्त बनती है अगर एक साल में पर मंथ देता आदमी। अब यहाँ पे हम मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, एम ओ एन टी एच एल वाई, मंथली इंटरेस्ट, आई एन टी ई आर ई एस टी, क्योंकि साल का तो इंटरेस्ट ये निकल गया लेकिन हमें तो एक महीने का इंटरेस्ट देना है ना, तो एक महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो एक महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल 3,000 को हम डिवाइड कर देंगे 12 किस्तों से, मतलब एक साल में 12 किस्त होते हैं, तो आपका 12 किस्तों से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा मंथली इंटरेस्ट, और ये मंथली इंटरेस्ट वही है, आ गया ना, देखिए आ गया सेम। तो इस हिसाब से मैंने इसे कैलकुलेट करके निकाला, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको, दोबारा पूरा कैलकुलेशन करके दोबारा समझिए। यहाँ पे हमें लगाना है इक्वल ए डबल सी आर आई एन टी एक्रिंट, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इशू डेट, मतलब जिस तारीख को ब्याज पे पैसे लिए या दिए, फिर कॉमा लगाना है, फिर फर्स्ट इंटरेस्ट कब से चालू होगा उस पर क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद सेटलमेंट डेट, किस तारीख को आपने किस्त दिया, पहली जो किस्त दिया वो किस तारीख को दिया, किस तारीख को सेटल करा वो, और उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर इंटरेस्ट रेट कॉमा, फिर पर वैल्यू जितनी जो वैल्यू ली आपने, फिर कॉमा,
फिर उसके बाद यहाँ पे एनुअल सेमिनल, तो मैंने यहाँ पे एक ही डाला है कि साल वाला, एक साल के अकॉर्डिंग लगाना है मुझे, इंटरेस्ट निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे जीरो वाला मैंने चॉइस कर लिया, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ये आपका 250 निकल गया। अगर मैं यहाँ पे 250 की जगह अगर मैं 50,000 लिख देता हूँ, 30,000 की जगह, सॉरी 50,000, तो 50,000 का ये निकला 416। अब इस पर हम यहाँ पर यही चीज़ रख के देखते हैं कि सही निकला कि गलत। 50,000 वैल्यू, 50,000, और उसके बाद रेट कितना है 10%, मैंने इसे भी चेंज कर लिया 12% कर लिया, 12% का 500 रुपये हुआ, लो मैंने 12.5% कर लिया, ये 520। तो यहाँ पे भी मैं 12.5% रख लेता हूँ, हाँ 12.5% 13% ही माना इसे। अब इंटरेस्ट जो निकलेगा इक्वल, ये जो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 13% से, तो ये हमारा निकल गया। और टर्म्स कितने होते हैं एक साल में, 12, एक साल का ये लिखा है। और फिर मैंने यहाँ पे निकाला मंथली इंटरेस्ट इक्वल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे 12 किस्तों से, तो ये आपको मंथली निकल के आ जाएगा। ये और ये देखिए सेम है। और यहाँ पे इसे जो ये जो कुछ ये जो पैसे में बहुत सारे दिखा रहे हैं, वो डिजिट को यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ये 83 पैसा, और ऐसे यहाँ पे भी 83 पैसा आप कर दीजिए। अब ये आंसर 50,000 रुपये कैसे बनेगा, देखो इक्वल, और मैंने इस पर क्लिक करा यदि, और इसे मैं अगर नहीं 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 ऐसे 12,650 नहीं सही है, ये तो सही है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये सही है आंसर। अच्छा अब इसके बाद मैं कुछ और सोचने लगा था, ये तो हो गया हमारा मंथली का इंटरेस्ट निकालना। अब इसके बाद मैं एक्टी ये जो है ये है एक्रिंट एम का जो फॉर्मूला है वो निकालते हैं लगाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे मर्ज, और मैं इसमें लिख लेता हूँ एक्रिंट एम, तो नाम इसका बड़ा अजीब सा है एक्रिंट एम, तो फॉर्मूला। अब एक्रिंट एम फॉर्मूला निकालते हैं भाई, यहाँ पे हम आते हैं और मैं यही चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, पहले इस वाली चीज़ को कॉपी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, पेस्ट। अब यहाँ पे एक्रिंट में क्या क्या चीज़ आते हैं वो पहले हम देखते हैं, एक्रिंट एम में ACRI एक्रिंट एम टैब, इशू सेटलमेंट रेट पर बेसिस, इशू सेटलमेंट रेट पर बेसिस मतलब इशू है सेटलमेंट है, इशू है सेटलमेंट मतलब ये नहीं है, इशू सेटलमेंट रेट है पर फ्रिक्वेंसी नहीं है, बेसिस इतनी चीज़ें नहीं है, तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, 20 वाला डिलीट और 23 नंबर वाला डिलीट। अब इशू डेट, तो यहाँ पे मैं इसे वैल्यू की भी कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने इशू डेट कॉपी पेस्ट, ये हो गया आपका। सेटलमेंट डेट यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट डेट है यहाँ पे 1/12/2017, तो ये तो एक महीने का था, तो मान लीजिए कि मुझे मैं एक साल के लिए ब्याज पे ले रहा हूँ पैसे, तो मैं एक साल में सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक साल के बाद का हो गया, मान लीजिए 1/11 को लिया, मतलब मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया कि 31 अक्टूबर, एक मतलब 31/10/2018 तक के लिए लिया, और एनुअल जो रेट है वो 10% ही मान लेते हैं हम यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एनुअल रेट 10% मान लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू निकाला वो मैंने माना कि मैंने लिया 20,000 रुपये, ओके, और बेसिस है इसकी 0, तो इस हिसाब से मुझे टोटल
एक्रिंट एम निकालना है। यहाँ पे मुझे निकालना है एक्रिंट एम वैल्यू कितनी है। तो एक साल की पूरी जो वैल्यू है वो निकालनी है मुझे यहाँ पे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कमांड चलाना होगा इक्वल ए डबल सी, ये एक्रिंट एम आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। इशू पूछ रहा है तो इशू डेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सेटलमेंट पूछ रहा है, सेटलमेंट डेट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। रेट पूछ रहा है, रेट 10% है, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पर पूछ रहा है, पर वैल्यू आपकी 20,000, कॉमा लगाएंगे। बेसिस वही वाला, तो इसमें आपको 0 पे क्लिक करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर दबाना है। तो ये आपका निकल गया 2,000 रुपये एक साल के। अब ये सही है आंसर, इसे चेकआउट करते हैं। अब चेकआउट करने के लिए क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा इसी की तरह लिख लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। तो वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू है हमारी यहाँ पे 20,000, मतलब 20,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। रेट कितना है 10%, तो यहाँ पे 10% डाल देते हैं। अब इंटरेस्ट हमारा ये निकलना है एक साल का, तो इक्वल इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 10% से, तो यह हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और यही इंटरेस्ट यहाँ आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक से एक साल, दो साल, तीन साल, ऐसे पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और जो आपका ये इंटरेस्ट डेट है, इन समूह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली आप इसमें निकाल सकते हैं पूरे, मतलब टोटल जो आपकी एनुअली जो किस्त होती है, मतलब ये एक साल की, दो साल की किस्त, वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो दोनों इंटरेस्ट निकालने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। बाकी आप ये एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके जो कमेंट का जवाब है, जब भी फ्री रहूँगा तो आपको देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।